नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज हमने इस तरह का और तोरण पट्टा डिज़ाइन बनाई है, देख सकते हैं इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बनाई है। इसके लिए हमने तीन कलर का ऊन लिया है, वाइट कलर है, येलो कलर है, डार्क ग्रीन। आप दो कलर में भी बना सकते हैं। पहले हमने वाइट कलर का ऊन लिया है, देखें यहाँ पर हम 15 चैन करेंगे। पंद्रह चैन हमने यहाँ पर की है, इसे रिंग कर ले। यहाँ पर तीन चैन लेंगे बांध के। इस रिंग के अंदर हमें 26 डबल क्रोशे बनाने हैं, 26 डबल क्रोशे इस रिंग में हम बना लेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने 26 डबल चैन डबल क्रोशे बनाया है यहाँ पर। ऐसे हम निकाल लेंगे धागे यहाँ पर। पीछे के तरफ आप इसे बांध दें, धागे पीछे के तरफ ले लें। इस तरह से रिंग बनाएंगे हम। इसी तरह से पीले कलर का भी हम ऊन लेके ये देखें 15 चैन बना लेंगे। पंद्रह चैन हमने यहाँ पर बना ली है। अब इसे हम ये देखें इस तरह से चैन को हम ले लेंगे वाइट के अंदर, रिंग के अंदर हमने इस तरह से लेके यहाँ पर हम स्लिप चैन से जोड़ देंगे। ये देखें फिर यहाँ पर उसी तरह से हमें रिंग बनानी है। छब्बीस डबल क्रोशे, छब्बीस यहाँ पर आप बना ले। ये देखें हमने 26 क्रोशे बना ली है। यहाँ पर लाके हम इसे जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर धागे आप निकाल ले। ये देखें इसी तरह हम ग्रीन कलर का भी ले लेंगे, एक रिंग ग्रीन कलर से भी हम बना लेंगे। हमने ग्रीन कलर का भी 15 चैन बना लिया है। ये देखें यहाँ से हम लेंगे इस तरह से, फिर इसे हम जोड़ेंगे। उसी तरह से इसमें फिर हमें 26 डबल क्रोशे बना लेनी है। छब्बीस डबल क्रोशे आप यहाँ भी ग्रीन में भी बना लें। ये देखें यहाँ भी हमने 26 क्रोशे बनाई हैं।
इसे इस तरह से घुमा दे, यहाँ पर जोड़ दे, ये देखें। इस तरह से आप दरवाजे जितना चौड़ा आप बना ले लंबा उतना। इसी तरह से रिंग हम जोड़ जोड़ के तीनों कलर में हमने बनाई है। आप चाहें तो कई कलर भी यूज कर सकते हैं या फिर दो कलर में भी आप बना सकते हैं। ये देखें हमने इस तरह से जोड़ के बनाई हैं, देख सकते हैं। और बॉर्डर के लिए हमने वाइट कलर का ऊन लिया है। मैं थोड़ी सी इसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ बीच में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। यहाँ पर हमने 8 चैन ली है, 6 छोड़ेंगे, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर हमें 6 चैन लेनी है, अभी हमें ग्रीन कलर में लेना है, सिंगल क्रोशे से जोड़ना है 6 चैन। येलो कलर में ये देखें इस तरह से हमें लेना है, देख सकते हैं। इसको सीधा करके आप ले लें, ये जो सीधी दिखनी चाहिए रिंग इसकी, देखें इस तरह से। तो इस तरह से सीधा करके ले लें, जहाँ से आपकी चैन दिख रही है यहाँ से आप ले, उल्टा ना ले। तो इस तरह से 6-6 चैन हम यहाँ बॉर्डर पे 8 चैन हमने यहाँ पर दोनों तरफ 8-8 चैन ली है और बीच में हमने 6-6 चैन लिया है। और यहाँ पर हम 8 चैन लेंगे बॉर्डर पे, यहाँ 6 क्रोशे छोड़ना है यहाँ, फिर 8 चैन, छः क्रोशे छोड़ के सिंगल क्रोशे से जोड़ दें इसे, ये देखें इस तरह से। यहाँ पर 6 चैन, बीच में हमने 6-6 चैन ली है, केवल किनारे की तरफ दो दो जो है वो हमने 8-8 चैन लिया है। छः चैन हमने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ से जहाँ से हमने ये जोड़ा है इस तरफ का हिस्सा, यहाँ से हमें 13 क्रोशे छोड़ने हैं, 6, 8, 10, 12, 13, 13 क्रोशे छोड़ के आधे हिस्से में, ये देखें इस तरह से आधे आधे हिस्से में हमें जोड़नी है सिंगल क्रोशे से। तो इस तरह से आप जोड़ लें, 6 चैन और यहाँ पर आधे हिस्से में जोड़नी है 13 सिंगल क्रोशे, 6 चैन दोनों तरफ कर लेंगे, बना लेंगे। यहाँ पर किनारे देखें 6, यहाँ से हमें छोड़ना है, फिर यहाँ पर 8 चैन, और ला के यहाँ पर जोड़ दें इसे, यहाँ पर चैन में अभी हमें बनानी है। यहाँ पर हमें 12 क्रोशे करेंगे इस चैन में, यहाँ पर जो किनारे हमने बनाई हैं 8-8 चैन में, 8-8 चैन में हमें 12-12 क्रोशे करनी है।
ये देखें हमने यहाँ पर 12 क्रोशे की है और 6 चैन जहाँ जहाँ हमने बनाई हैं बीच में, यहाँ पर हमें 6 क्रोशे करनी है। इस तरह से 6-6 क्रोशे हमें यहाँ पर करनी है। किनारे ये दो चैनों में 8-8 जो चैन हमने ली हैं, इसमें भी इसमें ही हमने 12-12 क्रोशे बनाई हैं और बीच में हम 6-6 चैनों में और 6-6 क्रोशे डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ आप बना लें, एक लाइन आप दोनों तरफ इस तरह से बना लें। ये देखिए इस तरह से हमने एक लाइन बना ली है। यहाँ पर हमें 3 क्रोशे बनाएंगे और इसके अंदर 3 चैन हमने लिया है, 2 क्रोशे लिया है। ये देखें यहाँ पर 1 चैन लेंगे, फिर इसी में हमें 3 क्रोशे और बनानी है, 6 क्रोशे हमें बनानी है। यहाँ बीच में 1 चैन इस तरह से देखें और यहाँ पर हम 3 छोड़ेंगे, 3 छोड़ के 1 सिंगल क्रोशे हमने की है, देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 छोड़ा है, 3 छोड़ के सिंगल क्रोशे किया है। यहाँ पर भी हम 3 छोड़ेंगे, और यहाँ पर हमें 4 छोड़नी है। देखिए 1, 2, 3, 4 छोड़ेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर हमें 6 क्रोशे बनानी है, 6 क्रोशे हमें यहाँ बनानी है। यहाँ पर हमने 3 छोड़ी थी, यहाँ पर हमने 6 बनाई है, इसलिए यहाँ पर हमने 3 छोड़ी थी, किनारे का मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर हम 4 छोड़ेंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्रोशे जो है 12 बनानी है किनारे में, तो यहाँ पर हम 6 क्रोशे करेंगे, 2, 4, 5, 6 करेंगे, 1 चैन लेंगे यहाँ पर, तो उसी में 6 और क्रोशे हम बनाएंगे, 12 क्रोशे यहाँ पर बनानी है। बीच में 1 चैन लिया हमने 6 के बाद, इस तरह से। तो ये जो है किनारा, ये इस तरह से आ जाएंगे, देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें 4-4 क्रोशे ही छोड़नी है, 1 सिंगल क्रोशे ले लेंगे 4 छोड़ के, फिर 4 छोड़ के हमें 3 क्रोशे, एक चैन, उसी में 3 क्रोशे, 6 क्रोशे हमें बनानी है। बीच में हमने 1 चैन लिया है 3 के बाद, यहाँ पर 4-4 हम छोड़ते जाएंगे, केवल यहाँ पर हमने 3-3 छोड़ी थी बॉर्डर पे, बीच में हमने बनाई है, यहाँ पर हमने 3-3 छोड़ी है, 6 देखें यहाँ पर हमने बनाई है, 4 क्रोशे छोड़ेंगे, 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर यहाँ पर 4 छोड़ के हमें उसी तरह से 6 क्रोशे बनानी है, 3 के क्रोशे में 3 क्रोशे लेके 1 चैन करनी है। चार, एक सिंगल क्रोशे, 4 छोड़ के 6 क्रोशे, तो इस तरह से ये बॉर्डर जो है बनेगी। देखें ये देखें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर 12 बनानी है, देख सकते हैं 6 हमने बनाई है, 1 चैन
और उसी में 6 क्रोशे और बनानी है। ये देखें इस तरह से ये कॉर्नर में इस तरह से आएंगे। यहाँ पर हमें 4 छोड़नी है क्योंकि हमने यहाँ 12 बनाई हैं, तो यहाँ पर हम 4 छोड़ेंगे, एक सिंगल क्रोशे कर लें। यहाँ पर हम 3 छोड़ेंगे, 3 छोड़ के यहाँ पर हमें 6 बनानी है बीच में। एक चैन, तीन क्रोशे, यहाँ पर 6 ही हमें बनानी है बीच में। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम 3 छोड़ेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पर 4 छोड़नी है, यहाँ 12 क्रोशे, जिस तरह से हमने यहाँ बनाई है इस तरह से यहाँ भी बनाएंगे। एक चैन, 6 बना के फिर वापस उसमें हम 6 क्रोशे बनाएंगे। ये देखें इस तरह से ये डिजाइन आएंगे किनारे। 4 छोड़ के सिंगल क्रोशे कर लें, 4 छोड़ के फिर हमें 6 बनानी है, 6 क्रोशे। इस तरह से, तो इस तरह से ये बॉर्डर आप बना लें। ये देखें हमने इस तरह से ये पट्टा बनाई है, देख सकते हैं। आगे का डिज़ाइन हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो हमारे डिज़ाइन ये पट्टे का आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।